Today, we will start chapter 2. That is relations and functions. From NCERT, for class 11th. For CBSE, or we can say IS. अब रिलेशन, रिलेशन सिंपल वर्ड है, मदर फादर का रिलेशन, ठीक है। दो, जैसे तुम, जैसे खुशी और उसके बड़े ब्रदर का, खुशी और उसकी मदर का रिलेशन, एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन के अंदर जैसे एक एग्जाम्पल, सिंपल सा, ए सेट है कोई, उसके अंदर है रेड एंड ब्लू, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है मैं वही सेम ले रहा हूं। बी सेट है, उसके अंदर बी सी एंड एस, तो इनका रिलेशन सेट क्या बनेगा? व्हाट इज द रिलेशन? रेड ब्लू, सबसे पहला रिलेशन रेड, आर से नोट कर देता हूं मैं, रेड पूरे लिख दो, रेड बी पहला, फिर दूसरा रेड सी, ठीक है बच्चे, तीसरा रेड एंड एस, फोर्थ ब्लू एंड बी, ब्लू एंड सी, ब्लू एंड एस, दीज आर द रिलेशंस। इनको क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं जितने भी आएंगे। तो मतलब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए सेट और बी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे लिखेंगे हम, तो दिस सेट इज कॉल्ड रिलेशन सेट, ठीक है। जो रिलेशन में पहला लेटर है, पहला फर्स्ट पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड डोमेन, उसको क्या बोलेंगे? हमेशा डोमेन बोलेंगे। और जो सेकंड पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड रेंज, उसको रेंज बोलेंगे। समझे बच्चे? यहां पे सबसे पहली डेफिनेशन जो है, फर्स्ट डेफिनेशन, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, पी एंड क्यू, मान लो कोई दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है ही है, पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू इज अ सेट ऑफ, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी टू क्यू, फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ, पी इंटू क्यू सेट क्या बनेगा फिर? सेट बिल्डर फॉर्म में, पी क्यू मतलब हमेशा पहली पोजिशन पे पी का एलिमेंट, सेकेंड पोजिशन पे क्यू का एलिमेंट, सच दैट पी बिलोंग्स टू, मतलब स्मॉल पी ले लो, यहाँ पे स्मॉल पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी, पी सेट से, एंड क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, क्यू सेट से। यार रैशनल नंबर नहीं है क्यू का, मतलब पी एंड क्यू दो सेट लिए ना हमने, उस से कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3, बी सेट ले लिया मैंने 4 5। अब यहां पे रिलेशन, वन का रिलेशन 4 से भी, वन का रिलेशन 5 से भी, तो मतलब ए इंटू बी राउंड ब्रैकेट 1,4, फिर 1,5, फिर 1 2,4, 2,5, फिर 3,4, 3,5, ये हो गया, ये हमारा रिलेशन। और एक चीज और,
एन ए इंटू पी। ऑर्डर पेयर का नंबर एन किसके इक्वल होगा? इन दोनों के जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे देखो थ्री एलिमेंट्स हैं, इसमें टू एलिमेंट्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई सिक्स एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, इस वे से बच्चे। आगे समझ, दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन द ऑर्डर्ड पेयर। पेयर समझ गए अर्नव? समझ आया यस सर। बच्चे? नाउ यहाँ पे बच्चे कुछ डेफिनेशंस हैं, क्या है वो डेफिनेशंस? ये देख, रिमार्क्स, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। इक्वल वैसे दो सेट जैसे इक्वल होते हैं, मीन्स हैविंग द सेम एलिमेंट्स, वैसे यहाँ पे दो टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल हो, सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल हो, दो ऑर्डर पेयर का, दैट आर कॉल्ड इक्वल। ठीक है, तो उसके मतलब अगर फर्स्ट बाद पोजीशन पे वन था तो दूसरे सेट की फर्स्ट पोजीशन पे भी वन होना चाहिए, मतलब हाँ जी हाँ जी, बोलो भाई अरेंज सर। होना अरे चाहिए। इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसे नहीं है, वो तो आगे पीछे हो सकता है, सेट में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं बेटा हम। यस सर। मतलब उन्होंने लिखा क्या है, देखो ध्यान से रीड करो ना। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, 1 1 2 2 3 3, ऐसे 5 है तो दूसरा भी 5 हो, सेकेंड नंबर पे है जो, ए सेट में भी 5 आ जाए, बी सेट में भी 5 आ जाए, ऐसे। सेकेंड, रिमार्क, इफ देर आर पी एलिमेंट्स इन ए, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि फर्स्ट में पी एलिमेंट हो, दूसरे में क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ऑर्डर पेयर में? पी इंटू क्यू विल बी पी क्यू, देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स इंटू ए इंटू पी, मतलब एन ए पी एन बी, तो इसका किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। अगला, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो, देन देन सो इज ए इंटू बी। ठीक है, इनफाइनाइट का पता ही है ना, फिर तो हम ऑर्डर पेयर बना ही नहीं सकते, ए इंटू बी के इक्वल ही होगा, मतलब बी में जितने एलिमेंट हैं वही सेम, ट्रिपल ए आ गया, ए इंटू ए या ए इंटू बी इंटू सी। उस टाइम बच्चे इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। तो अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, करें? सर इसका कोई वो फॉर्मूला था जिसमें पता चल जाए कितने एलिमेंट आएंगे? फॉर्मूला तो पी इंटू क्यू ही है ना बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अच्छा एंड, मतलब जैसे सिक्स है तो ए। सिक्स ही, मतलब सिक्स ही बनेंगे ना सेट उसके, हाँ जी हाँ जी, और उसमें फाइव इंक्लूड नहीं करेंगे। सर समझ नहीं आया मैं क्या पूछ रहे तुम। जैसे सबसेट की तरीके, तो वो एक तरीके से नहीं, वो चीज नहीं है, इसमें तो एलिमेंट्स काउंट करने हैं ना, कि पहले में 3 हैं, दूसरे में मान लो 4 हैं, तो टोटल 12 वो बनेंगे ऑर्डर पेयर, पेयर बनाने हैं ना बच्चे। ब्रैकेट्स में हम क्या कर रहे हैं? ये रेड बी अच्छा ओके रेड सर ए, समझ गया समझ गया। ऐसे ट्रिपलेट अगर 3 सेट में से काउंट करना हो तो। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1, एनसीईआरटी में से हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे बोरिंग चैप्टर है ये, खुशी, शुभांगी, आयुष। तो फर्स्ट सम, इफ एक्स अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 किसके इक्वल? 5/3 एंड 1/3। तो x एंड y वी हैव टू फाइंड। देखो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं अर्नव? सर जब उनके एलिमेंट्स दोनों साइड सेम होते हैं, नहीं, फर्स्ट इक्वल होते हैं, फर्स्ट के इक्वल हो, सेकेंड सेकंड के इक्वल हो, मतलब ये, मतलब अब यहाँ पे मतलब एक्स बाय 3 प्लस 1 5 बाय 3 के इक्वल होगा। 5/3 एंड y माइनस 2/3 किसके इक्वल होगा? 1/3 के। यहाँ से
थ्री एलसीएम लेना, थ्री एलसीएम ले लो, वन उस साइड लेके जाना है, वन उस साइड ले जाओ, क्या करें? 5/3 माइनस वन, x/3, थ्री इज द एलसीएम हियर, 5 माइनस 3, x/3, 2/3, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। ऐसे ही बच्चे इसको वाई यू कैन फाइंड, शिवांगी हो जाएगा फाइंड बेटा। यस सेकेंड सम, सेट ए हैज थ्री एलिमेंट एंड सेट बी हैज 3, 4, 5। ए सेट में थ्री एलिमेंट्स हैं और बी सेट के तीन एलिमेंट हमें दे ही दिए, 3, 4, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, खुशी ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे? हाँ सर, 3 × 3 9 एलिमेंट। जी, 3 × 3, क्योंकि ए सेट में थ्री एलिमेंट है, एन बी क्या आ जाएगा, एन ए हमें थ्री दिया है, मतलब लिखना कैसे है, एन ए इज गिवन 3, बी सेट 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स हैं, एन बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, आल्सो 3 ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इंटू बी हमने फाइंड करना है, एन ए इंटू बी वी हैव टू फाइंड, दैट इज 3 × 3, एन ए इंटू एन बी, प्रॉपरली सीधा लाइन नहीं लिखना, ऐसे जैसे मैंने प्रेजेंट किया है, 3 × 3 दैट इज 9 एलिमेंट्स आंसर। समझ आ गया बच्चे? सेकंड सम, थर्ड सम, थर्ड सम में, हाँ जी आयुष, यस सर, जी सेट में 7 एंड 8 कितने एलिमेंट हैं? दो। टू एच में 5, 4, 2। फाइंड जी इंटू एच, जी इंटू एच फाइंड करना है। एच में हमारे पास 5, 4, 2 सेट एलिमेंट्स हैं, तो वी हैव टू फाइंड जी इंटू एच, क्या आएगा? सर कर्ली ब्रैकेट। हाँ, 7, 5, 7, 4, 7, 4, 7, 8, सेवन टू फिर उसके बाद 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। ठीक है आयुष, सर। दिस इज अवर आंसर। अगर यहाँ एच इंटू जी फाइंड करना होता फिर क्या आता आंसर? सर यहाँ 5 7 सेकेंड, 4 7 एंड 2 7। 5 से शुरू करो ना बेटा, 5, 7, 5, 8, फिर 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। ठीक है, कभी ओके मिस्टेक सर। नहीं होती, मतलब हमें पता चल जाएगा कहाँ पे मिसिंग किया हमने, 2, 7 एंड 2, 8, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया एच इंटू जी। समझ आया बेटा सबको? यस नाउ फोर्थ सम, शुभांगी, शुभ क्या यस सर, कुछ हो गया तेरे गले को? नहीं सर। नहीं क्या खाया था, आइसक्रीम खाई थी अकेले अकेले? सर, नहीं, खा लेती ना तभी। स्टेट, ये तो ट्रू फॉल्स ही है। पी में एम एंड एन एलिमेंट है, क्यू में एन एंड एम एलिमेंट, देन पी इंटू क्यू एम एन एंड एन एम होगा, नो सर, एम एन एम एम भी आना चाहिए था, एन यस सर, एन एन एम एन एन भी आना चाहिए था, फॉल्स। समझ गए? समझे यस सर, कि नहीं? सेकेंड, यस सर। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए इंटू बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हो तो क्या ए इंटू बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा? यस सर, यस, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है बेटा। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या हो गया शिवांगी? थर्ड पार्ट बेटा,
ए गिवन है 1 2, बी गिवन है 3 4, ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ट्रू है कि फॉल्स है? सर आई थिंक इट्स ट्रू. यस इट इज ट्रू. क्यों? बी इंटरसेक्शन 5 कितना होगा? 5 होगा ना, एम्प्टी सेट के साथ कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, एम्प्टी सेट ही होगा. और एक दोनों में से अगर एक भी एम्प्टी सेट है तो आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट आइदर ए, और दूसरा सेट ये लिया है ना उन्होंने बी इंटरसेक्शन 5, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब 5. ट्रू. ए गिवन है -1 1, फाइंड ए ए ए. हाँ जी अर्नव जी, हाँ जी सर. -1 1 ए इंटू ए इंटू ए हमने फाइंड करना है, क्या आएगा बताइए? सर एक तो -1 1 -1 1 आ जाएगा. नहीं यार ऐसे नहीं करते, जो सर पहले हम करेंगे ए इंटू ए फाइंड का, यहां तक ठीक है. -1 1 -1 कॉमा -1 1, मतलब ये लगा यस लो सर. -1 1 है, फिर -1 1 है, इस -1 को दोनों के साथ, फिर 1 को दोनों के साथ, समझ गए? ये हमारा ए इंटू ए सेट हो गया. ए सेट ये पड़ा है, एक सेट ये पड़ा है ना, तो ए इंटू ए इंटू ए क्या होगा? इसको भी दोनों के साथ, इसको भी दोनों के साथ, इसको भी दोनों के साथ, इसको भी दोनों. -1 -1 -1, पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 -1 के साथ करेंगे, ठीक है, इसको फिर 1 के साथ करेंगे. पहले इसको -1 के साथ करेंगे तो -1 -1 -1 आ जाएगा ना बेटा, बताइए. यस सर. इसको 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? -1 -1 1, पर फिर इसको करो -1 के साथ, क्या आएगा? -1 1 एंड -1, फिर इसको 1 के साथ करो -1 1 1, ये होगा. फिर अब ये उठा लो, 1 -1 -1, पहले तो नहीं आया ना 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, 1 -1 1, अब इसको उठाओ 1 1 -1, 1 1 1, हो गया, समझे बच्चे? ओके सर. ये क्या बेटा, किसको सर ये नहीं समझ आया? खुशी नहीं आया मुझे. हाँ जी खुशी, ये ए सेट है, सर. यस सर. एक बार मैं ए और लिख देता हूँ -1 1. अब ए इंटू ए करना है तो क्या बनेगा, ये तो पता चल गया, बताइए बेटा. यस सर. ए इंटू ए, फर्स्ट एलिमेंट उठाया दोनों साथ में, पहले -1 -1 -1 1, फिर 1 को उठा लो 1 -1 1 1. अब ए ए ए तीसरा भी मैंने, ये मतलब ये तो ए इंटू ए आ गया ना, अब ए से भी मल्टीप्लाई करना है, ये ए इंटू ए ये सेट पड़ा है, एक सेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1 1. अब पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहला एलिमेंट दूसरे के साथ भी, जैसे यहाँ पे करते थे, पहला एलिमेंट पहले दूसरे के साथ भी, समझे? -1 -1 -1 -1 -1 -1, फिर इसको सेकंड को दोनों के साथ, पहले फर्स्ट वाले के साथ पेयर बनाओ -1 -1 -1 -1, ये रहा -1 1 1, सेकंड वाला ले लिया, फिर तीसरे वाला बेटा फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ, ऐसे ही फोर्थ वाला फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ, समझ गए? हाँ ओके सर. इसके बाद सिक्स सम, आयुष, ए इंटू बी गिवन है बेटा हमें, ईएक्स एवाई बीएक्स बीवाई, फाइंड ए एंड बी, ये दोनों फाइंड करने हैं, ए एंड बी. ए सेट क्या बनेगा आयुष?
एंड बी। ए कॉमा बी, एंड बी सेट क्या बनेगा? एक्स एंड वाई। यस, अगर इन दोनों के ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो यही बनेंगे ना, ए को भी दोनों के साथ, बी को भी दोनों के साथ। मतलब उन्होंने ए एंड बी पूछे थे तो आ गए हमारे आंसर। समझे बच्चे? नाउ यस सर। सेवन सम, फर्स्ट पार्ट। पहले इसमें दिया क्या है? ए खुशी, 1 2 गिवन है। बी सेट हमें बच्चे क्या गिवन है? 1 2 3 4 गिवन। सी सेट हमें क्या गिवन है? 5 6 गिवन है। एंड डी सेट भी दे दिया, 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, पहला पार्ट क्या वेरीफाई करना है, टू टू क्या करना है वो लिख देता हूं मैं। ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये वेरीफाई करना है। किसके इक्वल? ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे सबसे पहले? खुशी, फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ये इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड। है? यस लेफ्ट सर। हैंड साइड में ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी है ना बेटा। यस सर। ए सेट लिख दो यहाँ पे, 1 2। बी इंटरसेक्शन सी सेट क्या बनेगा? नल सेट। 5 बनेगा ना, यस मतलब सर। मैंने 5 ब्रैकेट डाल दी थी इसलिए मैंने ऐसे खाली ब्रैकेट में डाल दिया। क्या 5 डाल सकते हैं अकेला या खाली ब्रैकेट डाल सकते हैं? इन दोनों का क्या बनेगा? फाइव। मल्टी एम्प्टी सेट बनेगा ना, ऐसी यस राइट सर। हैंड साइड बेटा। ए इंटू बी निकालो पहले, ए भी तुम्हारे सामने है बी भी तुम्हारे सामने है, क्या बनेगा सबसे पहला एलिमेंट? सर वन कॉमा कॉमा टू कॉमा थ्री वन, कॉमा फोर। ए और बी है ना बेटा, पहले 1 उठा लो इसका, चारों के साथ जोड़ना है, 1 2 1 3 1 4, ठीक है बच्चे? फिर 2 उठा सर लो, 2 को भी सारों के साथ रिलेशन, 2 का 1 के साथ भी, 2 का 2 के साथ भी, 2 का 3 के साथ भी, 2 का 4 के साथ भी। समझ गए? रुक यस सर। क्यों रही है? नहीं सर, ये कुछ ज्यादा गलत आ गया वो है, बेकार मैं चैप्टर देखती है हूँ ये, इसको। हाँ कुछ नहीं, ये रिलेशन नहीं पता चला बच्चे, ऑर्डर पेयर नहीं पता चला अभी तक। सर। फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, जितने भी इसमें एलिमेंट है सबके साथ जोड़ दो सिंगल सिंगल टाइम, वही किया ना बेटा राउंड ब्रैकेट में। फिर यस सर। टू बताइए। उठाओ, अब समझ आ गया? अब ए यस इंटू सर। सी टू बताएगी मुझे, ए एरा सी एरा क्या आएगा? 1.5 वन कॉमा फिर फिर 1.6 हाँ, फिर 2.5 फिर 2.6। आ तो गया तेरे को, खुशी आ गया ना बच्चे। नाउ अब यस हमें क्या बोला था? ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, क्या आएगा बेटा? 1 1 है इसमें, नहीं है। 1 2 है, नहीं है। 1 3 है, नहीं है। 1 4 है, नहीं है। 2 1 है, नहीं है। 2 2 है, नहीं है। 2 3 है, नहीं है। 2 4 है, नहीं है। मतलब 5, लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आ गई, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट आ गया, इक्वल हो गया। बस ऐसे वेरीफाई करना है बच्चे, समझे? पता चल गया बेटा सबको? यस सेकंड पार्ट, ए इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटू बी, ये वेरीफाई करना है। ए इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटू बी, ये चीज वेरीफाई करनी है। ए इंटू सी फाइंड कर लोगे बेटा ए और सी से, बी इंटू डी फाइंड कर लोगे। तो ये देखना, जो ए इंटू सी में एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ब्रैकेट्स में, वो सारे बी इंटू डी में हैं, हो जाएगा? यस बोलिए यस सर। शिवांगी। 8 सम, ए 1 2 है, बी 3 4 है, राइट ए इंटू बी।
इन टू बी लिख लोगे? हाउ यस सर। मेनी सबसेट विल ए इन टू बी हैव? कितने सबसेट होंगे ए इन टू बी के? लिस्ट देम, उनको लिस्ट करना है। तो सबसे पहले हम ए इन टू बी करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए 1 2 है, बी सेट हमें 3 4 दिया है। ए इंटू बी क्या बनेगा बेटा शुभांगी? सो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 2 1 4, फिर 2 3 एंड 2 4।4 अब इन सबके सबसेट लिखने हैं, सब नंबर ऑफ, नंबर नहीं, सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी आर। पहला सबसेट, पहला सबसेट क्या होगा शुभी? तो नाम शुभी रख देते हैं शुभांगी से, ठीक है? सर, सबसेट्स का वो नंबर तो फॉर्मूला से ही रहेगा ना, 2 की पावर n से। नंबर नहीं फाइंड करना ना, सर हाउ नंबर मेनी नहीं तो फाइंड। पूछा है। हाउ मेनी का पूछा है? अच्छा, लिस्ट देम भी है ना? अच्छा सॉरी। साथ में लिस्ट देम भी है ना? नंबर तो फाइंड हो जाएंगे ना जब लिस्ट कर देंगे हम। शिवांगी कहाँ यस सर। है तू? कहीं कहीं नहीं है ना, तो आ जा नहीं वापस। हाँ जी, सबसेट भूल गई शिवांगी, क्या होता है? वेरी सर, पहला तो 5 होगा गुड। दूसरा वन सर, थ्री ले लो। दूसरा 1 3 होगा, 1 4 तीसरा सर, ना, 1 3 1 4, ठीक है? मतलब हाँ ये एक ही एलिमेंट है, ये सोचिए चलो दो नहीं है, ये एक सिंगल एलिमेंट है। तीसरा 1 3 2 3, हाँ ठीक है? टू उसके बाद 4 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये आ गया। यस सर। ये अब 1 3 1 4 2 3, तीन तीन। पहले मैंने वन पहला एलिमेंट उठाया, उसके साथ सबके साथ पेयर बना लिए। सबसे पहले ये आ गया सिंगल, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब तीन तीन एलिमेंट उठाएंगे, 1 3 1 4 एंड 2 3, फिर 1 3 2 3 2 4, फिर क्या आ जाएगा? 1 3 1 4 2 4। पहले मैंने ये उठा लिया, ये और ये, ठीक है? अब ये छोड़ देंगे, दिस दिस एंड दिस। 1 3 2 3 एंड 2 4, यहां तक आ गए। चारों का एक सेट आ गया, कोई बचा तो नहीं ना ट्रिपल वाला इसके साथ? 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। उसके बाद इसको छोड़ सर ये तो हम दो, खुद भी लिख लेंगे। कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, मैं करवा रहा हूँ तो। फिर 1 4 2 3, 1 4 अकेला आएगा, फिर 1 4 2 3, 1 4 2 4, फिर तीनों, फिर 2 3 अकेला आएगा, 2 3 2 4, फिर 2 4 अकेला आएगा। समझ गए? किसमें? सर ये तीनों एक साथ क्यों आ रहे, सब उस वाले में तो नहीं आ रहे थे सर, सेट्स में। सेट्स में तो सर हम लोग ऐसे सबसे फिर एक चलो एक एलिमेंट को उठा देते मेरा हैं उनके बच्चा, साथ मेरा सबसे। सर बच्चा, ये बता, नल इसके इसके सबसेट बना बना। सेट हाँ जी, सेकंड फिर वन, वन, फिर हाँ 1.2, 1.3, 1.4, फिर 2 अकेले, ना 1 2 3, ये भी तो सबसेट है। 1 2 4,
ये भी तो सबसेट है ना बच्चे, पहले हम वन से स्टार्ट किया ना, तो वन वाले सारे लिख दो, ठीक है, फिर 1 3 4, फिर 1 2 3 4, यही होगा ना बच्चे, फिर अच्छा अकेला 2, फिर 2 3, फिर 2 4, उसके बाद अकेला 2 2 3, ये हो गया, फिर अकेला 3 3 4, फिर अकेला 4, यहाँ पे यही लगा के चलो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 एलिमेंट्स ही है ना बेटा, बोलो। यस सर। समझ आया खुशी की? नहीं आया? वन ये थ्री थ्री बच्चे, एक एलिमेंट लिखा से नीचे नीचे, हाँ देखो बेटा, अभी मैंने लिखे नहीं ना, 2 4, उसके बाद 3 अकेला, फिर 3 4, फिर अकेला 4, ये एलिमेंट बनी है ना, यस सर। ये कोई मैं मिस कर गया, कौन सा मिस किया है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 आने चाहिए थे ना, कौन सा मिस किया? टू यस ले लिया, 2 3 ले लिया, इसमें मिस किया होगा, 1 1 2 1 3 1 4, 1 2 3 1 2 4, 1 3 4, फिर अकेला 2 रह, 1 2 3 4 आ गया, फिर 2 लिया, 2 3 2 3 4 रह गया, 2 3 4 रह गया बच्चे हमारे पास। अब यहाँ पे भी तो वैसे ही है ना, कि पहला एलिमेंट उठाया, 5 लिया पहले, तो फिर पहला एलिमेंट लिया पहले सेट में, सबसेट में, दूसरे में ये दोनों ले लिए, तीसरे में ये दोनों ले लिए फर्स्ट और थर्ड, फिर फर्स्ट और फोर्थ ले लिए, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए, फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ लिया, फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ लिया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ले लिया, चारों ले लिए, उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएंगे, 1 4 अकेला आएगा, फिर 1 4 2 3 आएगा, फिर 1 4 2 4 आएगा, फिर 1 4 2 3, ये तीन तीनों का सेट बनेगा, फिर 2 3 अकेला आएगा, 2 3 2 4 आएगा, फिर लास्ट में 2 4 आएगा अकेला, समझे? खुशी समझ यस सर, यस आया? सर। घबरा मत, कुछ नहीं है इसमें, घर में एक छोटा बच्चा है, बाकी में मतलब टोटल मान लो 10 मेंबर हैं, घर में एक छोटा बच्चा है, उनमें से बाकी कितने मेंबर बच गए? 9 बच गए ना, उस बच्चे का रिलेशन उन 9 मेंबर्स के साथ क्या क्या है, बस अगर 2 बच्चों का पूछ लें, उन दोनों का रिलेशन क्या है, 9 के पहले का 9 के साथ अलग से फाइंड करना है, फिर दूसरे का 9 के साथ अलग से फाइंड करना है, वो आ जाएगा। सबसेट में क्या होता है, 1 मतलब कितने, एक रूम में कितने जने रह सकते हैं, एक बच्चा, एक वो, एक दूसरे के साथ भी रह सकते हैं, तीसरे के साथ भी, 3 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, 10 के 10 पर्सन एक पर रूम में भी रह सकते हैं, वो सबसेट्स हो जाते हैं, समझ गए? यस सर। यस 9 सम, क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी हैव टू सेट, ए एंड ए इज 3 एंड बी इज 2, x1 y2 z1 आर इन ए एंड बी, ए टू बी में है, फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी फाइंड करना, देखो ए में कितने एलिमेंट हैं, थ्री फर्स्ट पोजिशन पे एक्स है, वाई है, जेड है, तो ए सेट आ गया, x, y, z, समझे कि नहीं समझे, ए इंटू बी में है ना ये तीनों एलिमेंट, और भी होंगे ए इंटू बी में, बट उन्होंने सिर्फ हमें 3 दे दिए, 3 में पहली पोजीशन पे 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड आ रहे हैं, तो ए सेट में क्या एलिमेंट होंगे, x, y, z, बी सेट में 2 एलिमेंट है, 1 2 1, सेकेंड पोजिशन पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, कौन से 2 एलिमेंट हुए फिर बी सेट में, 1 2 हुए, समझे? यस सर। हाँ।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट्स हैं अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। उनमें से दो एलिमेंट ये दिए, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं बट ये दो दे दिए। फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए। 9 है तो ए में 3 एलिमेंट ही होंगे ना बच्चे, उसमें से दो सेट दिए हैं हमें -1, 0 एंड 0, 1। मतलब पहली पोजीशन पे -1, 0 आ रहा है, दूसरी पोजीशन पे 0 एंड 1 आ रहा है, तो यहाँ इन इन दोनों में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं अर्नव? कितने एलिमेंट्स हैं? सर चार, नहीं यार, सर तीन। नहीं तीन, क्योंकि 0 तो कॉमन है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ ना, इसमें कितने हाँ तो एलिमेंट्स सर हैं? ए सेट -1, 0 और 1 हो जाएगा। हाँ जी, तो सेट क्या आ जाएगा? -1, 0 एंड 1। ये चीज समझ आई बेटा? लास्ट सम, टेंथ सम, ए इंटू ए, इसका कार्डिनल नंबर दे दिया हमें 9। मतलब ए में कितने एलिमेंट्स होंगे फिर? 3 एलिमेंट्स होंगे ना, इस ए में भी 3। दोनों ए तो सेम ही होंगे, ए सेट तो सेम ही रहेगा, वो तो डिफरेंट नहीं होगा। खुशी के हो जाएगा, नहीं तो सेम होगा। सेम होगा। अब ए इंटू ए के हमें 3 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स दे दिए। कौन कौन से? -1, 0 एंड 0, 1। फर्स्ट वाला जो है एलिमेंट वो भी ए का है, जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है वो भी ए के है, तो टोटल कॉमन कितने हुए? -1, 0 एंड 1, 3 एलिमेंट ही आए ना। बोलिए बच्चे, तो ये सेट में ये 3 एलिमेंट होंगे ना। अब रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए लिखने हैं, लिख दोगे ए इंटू ए के रिमेनिंग एलिमेंट इन दोनों को छोड़ के बाकी लिखने हैं बताओ। 9 एलिमेंट्स हैं, 2 दे दिए उन्होंने, 7 लिखने हैं। ए सेट मैंने ढूंढ दिया क्या है, हो जाएगा बताइए बेटा। तो यस सर, यस सर। आज बच्चे यही करते हैं, एक बार रिलेशन चैप्टर कितना बड़ा है इसमें चेक करें। 3 एक्सरसाइजेस, 4 3 एक्सरसाइजेस ही हैं, एक मिसलेनियस है वो अपने आप ट्राई करना। मतलब काफी कट कर दिया इसमें से, पहले तो बहुत बड़ा था ये। हाँ सर एमएल में सबसे सही ज्यादा तो बड़ा सुनने मारा है, एसी के भी सिलेबस काफी ट्रिम करा है। +1 +2 का बहुत कट कर दिया। एक मिनट बच्चे, मुझे ना एमएल अग्रवाल में बहुत बड़ा चैप्टर है ये भाई, आईएससी में सर वो सारा ये ट्रिम होने के बाद वो इतना है। नहीं देखा। नहीं मैंने ट्रिम किया है, कितने क्या हुआ है क्या नहीं, सर एमएल से ट्रिम नहीं होता सर, ट्रिम नहीं होता। देखा नहीं आज तक ये नहीं हमने कहीं सिलेबस देखा। देखना पड़ेगा ना बच्चे, सिलेबस क्या रहा है, ठीक है ना। 4 एक्सरसाइज नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, और ये है बस कि एनसीईआरटी से कर लिया तो बेसिक सारा समझ आ जाता है। 1 1 on 2 इसमें कट कर दिया, एक मिनट, एनसीईआरटी में 1 1 on 2 मॉडुलस फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, प्रोडक्टिविटी फंक्शन, मेरे को ये लग रहा है 1 1 और on 2 कट कर दिया इसमें से, उड़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा हो जाएगा वो जब एमएल में से करेंगे तो। ओके ठीक है बच्चों, यस सर, अब फिजिकल क्लास कब होती है तेरी अर्नव? सर एक तो कल हो गई, अब सैटरडे को है। और सर बाकी उन्होंने कहा था कि एक दिन और करेंगे, मतलब उन्होंने कहा था एक्सटेंड कर देंगे हम थोड़ी सी और। अच्छा नहीं, तुम स्कूल जाते हो बच्चे चारों में से? शिवांगी डमी एडमिशन है क्या, स्कूल जाते हो? यस सर जाते हैं, कितने बजे लगता है स्कूल? 8 से 2, नहीं 8 से 1।
8 से 1। और खुशी आपका 12 से 5। 12 से 5। आयुष 7 बजे से 1 बजे तक। यार 7, सबका अलग अलग क्यों है? नहीं, स्कूल घर से कितने बजे निकलते हो आयुष? सर 6:30 पे। सर 1 o'clock का पंगा है। 1 o'clock मैं नहीं फ्री होता, मॉर्निंग 9 o'clock तक तो होता हूँ फ्री में। सैटरडे को ऑफ होता है कि जाना होता है? नहीं नहीं सैटरडे को हाफ डे होता है सर। पहले ही हाफ डे है तुम्हारा, 7 से 1 या 8 से 1। नहीं सर, पूरा टाइम टेबल फॉलो होता। चलो देखते हैं फिर टाइम। 7 ना ऐसा अगर हो सके, मतलब जैसे 3 दिन क्लास हुई तो वो क्लास अगर सैटरडे संडे आप कंपेंसेट कर पाए, मतलब सैटरडे संडे संडे का दो ऐसे क्लास हो जाए। करेंगे। हाँ संडे को 2 क्लास ले लिया करेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे। फिर कोई बात नहीं, तुम्हें भी एक दिन का रेस्ट मिल जाया करेगा, उस दिन टेस्ट रख लिया करेंगे। ठीक है, ओके सर, वेडनेसडे को टेस्ट रख लिया करेंगे, वो चाहे लेट नाइट कर देना। अंडरस्टूड, समझ यस सर, गए शुभांगी खुशी? यस यस ऐसे सर, करेंगे, और संडे को या सैटरडे संडे को दो दो क्लासेस कोशिश करेंगे कि लग जाए। ओके चलो ठीक है बच्चे, ओके टाटा बाय बाय।